पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार, यूपी और दिल्ली के भैये वाले बयान पर बवाल मचने और बुरी तरह घिर जाने के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। चन्नी ने अब सफाई दी है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे बयान को गलत ढंग से समझा गया है। बाहर से पंजाब आए हुए तमाम मजदूरों ने कड़ी मेहनत की है और इसे विकास के रास्ते पर ले गए हैं। हमारे मन में उनके लिए सिर्फ प्यार है और इसे कोई बदल नहीं सकता। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहां कहां बहुत अच्छा काम और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि पंजाब को पंजाबी ही चलाएं। उनके बयान को गलत रूप से लिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश से कोई आदमी आकर पंजाब चलाना चाहता है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक है, अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ़ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ़ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं, उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि चन्नी ने आखिर कहा क्या था। ये साफ देखा जा सकता है कि जिस समय चन्नी ये बात कह रहे थे, उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी हंस रही थी। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर जोर से तालियां बजाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ही मुद्दा बनाया है और इस पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजिक बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से
ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की उस मिट्टी के संतानों को उस पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है, क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे।